कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ग्रांट के अलावा जो शुरुआत का ग्रांट होता है उसके अलावा हर एक एसएचजी को 1 लाख तक क्रेडिट दिलवाया जाएगा और जो आप एसएचजी द्वारा बनाते हैं उसकी पूरी तरह से मार्केटिंग के लिए एक पूरी योजना बनाई जाएगी ताकि जो जो आप बनाते हैं वो अच्छी तरह से बेच पाए और आगे बढ़कर उस पर भी इंडस्ट्री बन पाए। गांव में पर्यटन के केंद्र होने चाहिए, गोवा में पर्यटन के केंद्र होने चाहिए। गोवा एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन इस सरकार ने पर्यटन की नीति ठीक नहीं बनाई। इस सरकार की नीतियों द्वारा यहां का पर्यटन पूरी तरह से फूला फला नहीं है, यहां पर भारी बेरोजगारी है। आपने सुना कि कोरोना के समय क्या हुआ, सरकार ने मदद नहीं की बल्कि जनता के प्रति आक्रमण किया। जब आपने सुविधाएं मांगी तो कोई नहीं था, आपकी सुनवाई नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे बिजनेस थे जो बंद हुए, खासतौर से जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे कारोबार हैं। जीएसटी आई, उससे और कमर टूटी आपकी। आपने देखा कि यहाँ के मंत्रियों के पीए के जॉब में परीक्षा के 100 पर 100 नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको आज तक जॉब नहीं मिलते, आपको रोजगार नहीं मिलता। आज सुबह मैं एक गांव में गई थी, वहां बहुत दुख हुआ कि नौजवान महिलाएं जो बीए कर चुकी हैं, एमबीए कर चुकी हैं, बेरोजगार पड़ी है, उनके लिए नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ का इतना पर्यटन है, इस प्रदेश में इतनी सारी रिसोर्सेज है कि पूरी तरह से आपको रोजगार मिलना चाहिए। अगर एक सरकार की नीयत ठीक होती है तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिससे आप आगे बढ़े, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने यह तय किया है कि जितने सरकारी रोजगार बनाए जाएंगे उनमें से 30% महिलाओं को मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है। आपको तो मालूम ही है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस की थी। लेकिन सिर्फ ये नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण दिलवाया पंचायतों में। आज 50% का आरक्षण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया।